नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। और आज हम आपको उस खबर की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे जिसने बिहार के गया से शुरू होकर पूरे देश में हलचल मचा दी है। खोजी खबरों के अपने स्पेशल सेगमेंट तह तक में हम आपको बताएंगे कि क्या है उस पिस्टौल की असली कहानी जो इटली में बनी थी और जिसका इस्तेमाल रॉकी ने आदित्य के मर्डर में किया था। रॉकी के पिता को सियासत और अपराध की दुनिया में किसका संरक्षण मिला हुआ था ये भी बताएंगे। एडिटर चॉइस में हम आपको आज नाम बदलने की राजनीति पर कैसे हो रही है विरासत पे सियासत वो भी दिखाएंगे। उत्तराखंड में आज एक बार फिर हरीश रावत ने खुद को चैंपियन कैसे साबित किया है। औपचारिक ऐलान तो कल सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन ये लगभग तय है कि हरीश रावत फ्लोर मैनेजमेंट में कामयाब हो गए हैं। हम अपने खास मेहमानों के साथ इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा, समझेंगे कि क्या बीजेपी को उत्तराखंड की आग से खुद को दूर तो नहीं रखना चाहिए था। इस आग में सियासत की रोटी सेंकने में क्या बीजेपी ने अपने ही हाथ जला लिए हैं। इसके अलावा मिसाल सेगमेंट में आपको लेकर चलेंगे उस द्रोणाचार्य के पास जो उभरते भारत को नए सपने दिखा रहा है। देश की बात देश का पहला ऐसा बुलेटिन है जिसमें आपके गांव की खबर भी होती है। तो इंटरनेशनल खबरों के लिए हम आपको लेकर चलते हैं बीबीसी स्टूडियो, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हरीश रावत ने बाजी मार ली है। हालांकि सदन में हुए शक्ति परीक्षण के परिणाम का ऐलान कल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, लेकिन अब रावत का खोया हुआ ताज ऐसा लगता है वापस मिलना लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक फ्लोर टेस्ट में रावत को 33 वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी बीजेपी महज 28 तक ही सीमित रह गई है। रावत बीएसपी यूकेडी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की रेखा आर्या ने बीजेपी से आज गलबैयां कर हरीश रावत को हैरत में डाल दिया। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है, तो बीजेपी नेताओं के चेहरे पर हवाइयां दिख रही हैं। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। खुद हरीश रावत को उम्मीद है कि प्रदेश से जल्द ही संशय के बादल छंट जाएंगे। गया में आदित्य की हत्या का गुनहगार आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने उसके पास से वारदात में इस्तेमाल ब्रेटा पिस्टल भी बरामद कर ली है। रोड रेज मर्डर का आरोपी रॉकी यादव अब 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहेगा, लेकिन अपने जिगर का टुकड़ा खोने वाले आदित्य के पिता को अब भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आहत पिता का कहना है कि वो 6 महीने जेल में रहेगा और फिर छूट कर आ जाएगा, लिहाजा उसे फांसी पर लटका दो। इधर जेडीयू ने आरोपी की मां एमएलसी मनोरमा देवी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, और कल ही बीजेपी ने जेडीयू के नेता से ये सवाल किया था कि पार्टी राजनीतिक और नैतिक स्तर पर क्या कार्रवाई कर रही है। दाल की आसमान छूती कीमतों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है। जी हां, ये कहना है केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को 66 रुपए किलो अरहर दाल मुहैया करा रहा है, लेकिन कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के चलते इसकी कीमत काबू में नहीं आ रही है। उन्होंने साफ कहा कि 120 रुपए से ज्यादा कीमत की जिम्मेदार राज्य सरकारें हैं, लेकिन क्या इस जुबानी जमा खर्च से मंत्री महोदय की जिम्मेदारी खत्म हो गई है, ये पूरा देश जानना चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पलटवार किया है। केरल की चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि सोनिया जी देश प्रेम की दुहाई न दें, पूरा देश उनके पुत्र प्रेम से वाकिफ है। दरअसल अगस्ता घोटाले की आड़ में आए दिन बीजेपी के हमलों से आहत सोनिया ने कल साफ किया कि मैं इटली में जन्मी हूँ, जन्म लिया है, लेकिन मेरी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है और भारत में ही आखिरी सांस लूंगी। प्रधानमंत्री की डिग्री पर जारी दंगल के बीच आम आदमी पार्टी के नेता आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से खाली हाथ लौट आए हैं। जांच के लिए पहुंचे इन नेताओं को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बैरंग लौटा दिया है और उनसे बुधवार को यानी कि कल आने को कहा है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने आप नेताओं आशुतोष संजय सिंह और दिलीप पांडे और आशीष खेतान को वीसी योगेश त्यागी से मिलने की भी अनुमति नहीं दी। वहीं डीयू ने पीएम मोदी की डिग्री को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तरुण दास ने कहा कि बीजेपी ने पीएम की जो डिग्री दिखाई थी वो सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को नोटिस भेजा है। एनजीटी ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ
कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का केस चलाया जाए। एनजीटी ने रविशंकर को इसका जवाब देने के लिए 25 मई तक की मोहलत दी है। दरअसल एनजीटी ने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिसे श्री श्री रविशंकर ने जुर्माने को राजनीति से प्रेरित बताया था। ऑल इंडिया परमिट वाले डीजल टैक्सी के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऑल इंडिया परमिट वाले डीजल टैक्सी परमिट खत्म होने तक दिल्ली एनसीआर में बेरोक टोक चल सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी डीजल कार का टैक्सी के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि टैक्सी सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी से ही चलेंगी। और एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। जी हाँ, दिल्ली की टीना डाबी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित यानी यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। इम्तिहान में दूसरे पायदान पर रहे अनंतनाग के अतहर आमिर, तो तीसरे स्थान पर जसमीत सिंह संधू ने कब्जा जमाया है। नतीजों से गदगद 22 साल की टीना डाबी ने इस सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया है। वहीं इस कामयाबी पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है पूरे देश भर से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए ही मनोहर ने बीसीसीआई से इस्तीफा दिया है। आईसीसी के चेयरमैन पद की दौड़ में उनकी दावेदारी को काफी मजबूत माना जा रहा है। इसी बीच ये भी चर्चा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार की वापसी हो सकती है। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। बिहार के उस गया में जिसे बौद्धिक नगरी कहा जाता है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से लगभग बिहार में खून के आंसू है। क्यों? पिस्टल इटली में बनी थी, लाइसेंस दिल्ली में, और मर्डर हुआ बिहार में। आदित्य मर्डर केस में बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी को उलझा रहे हैं। क्या पुलिस कुछ छिपा रही है या फिर किसी को बचा रही है? हमने इस मर्डर केस को काफी गहरे से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी कोशिश है सच को आपके सामने लाना। इसमें कौन से राज सामने आए, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये मेन जो नामजद अभियुक्त हैं रॉकी, उन्हीं के नाम पे इशूड लाइसेंस है, दिल्ली का लाइसेंस। कहीं को छिपने की कहीं को बात नहीं दे, हम दिल्ली में दें। हमारे हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम आत्मसमर्पण करें। बिहार पुलिस अपनी पीठ ठोक रही है और 25 साल का राकेश रंजन यादव यानी रॉकी कानून के सारे हथकंडे मानो सीख कर आया है। याद होगा आपको 7 मई का दिन, जब बिहार की गया जिला मुख्यालय पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था। लैंड रोवर कार में 3 लोगों के साथ रॉकी हाई स्पीड में जा रहा था। आदित्य की स्विफ्ट ने ओवरटेक किया तो रॉकी का गुस्सा भड़क गया, अपनी गाड़ी आदित्य की कार के आगे लगा दी और दोनों में कहा सुनी हुई। बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन रॉकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और कार पर पीछे से गोली चला दी। आदित्य की जान चली गई। ये वो सच है जो एफआईआर में सामने आया है, लेकिन इस केस की तह तक जाएं तो ऐसे कई राज सामने आते हैं जिन्हें सुनकर आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। रॉकी ने इटालियन कंपनी ब्रेटा की पिस्टल से यह मर्डर किया, जिसमें 20 कारतूस थे। गोली सिर्फ एक चली, बाकी 19 पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। रॉकी को ये लाइसेंस बिहार सरकार ने नहीं दिया था। उसके रसूख का अंदाजा लगाइए कि दिल्ली का रेसिडेंस प्रूफ लगाकर वसंत कुंज से ये लाइसेंस बनवाया गया है। आपको बता दें कि इस तरह के लाइसेंस वीवीआईपीस को ही मिलते हैं और दिल्ली में इसके लिए बहुत लिखा पड़ी भी होती है। इतना ही नहीं, ये लाइसेंस ऑल इंडिया का है, जिसका मतलब है कि वो पूरे देश में कहीं भी जाए पिस्टल अपने साथ रख सकता है। सवाल उठता है कि 25 साल का वो लड़का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे कितना बड़ा खतरा था। जिस लैंड रोवर कार को ओवरटेक करने की वजह से ये मर्डर हुआ, वो रॉकी के नाम से ही रजिस्टर्ड है। यही नहीं, पिता बिंदी यादव के नक्सलियों से संबंध है, हथियार सप्लाई करने के केस में गिरफ्तार हो चुका है और उसे 600 कारतूसों की खेप के साथ अरेस्ट किया गया था। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। राष्ट्रद्रोह का मुलजिम होने के बावजूद बिंदी के पास लाइसेंसी हथियार है, जिसको हाल ही में रिन्यू किया गया है। जिस आदमी को सरकार राष्ट्रद्रोही मान चुकी हो, उसे लाइसेंस कैसे मिला? और अगर मिल भी गया तो कैंसिल क्यों नहीं किया गया? दरअसल बिंदी यादव लालू का चेला है।
सिर्फ उसकी पत्नी मनोरमा देवी को MLC बनाने के लिए उन्हें JDU की सदस्यता दिलाई गई। यही नहीं, छापेमारी के दौरान कल मनोरमा देवी के घर से शराब की बोतलें बरामद हुई। आपको मालूम है कि बिहार में शराब बंदी है, तो क्या वजह है कि इस मामले में MLC को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया? बाल बच्चा को पैदा होते साथ मार दे, निर्वंश रहे, बताइए नीतीश जी, निर्वंश रहे, बाल बच्चा को पैदा होते साथ हर हिंदुस्तान का आदमी अपने आप को घोट दे गला। साफ है कि आदित्य मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीतीश कुमार नेशनल लेवल पर अपना कद बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन आज उनके प्रदेश के एक पिता ने उनसे वो सवाल पूछा है जिसका जवाब उनकी पूरी पार्टी और पुलिस मिलकर नहीं दे पा रही। देश की बात के लिए ETV नेटवर्क। रॉकी ने भले ही एक गोली चलाई हो, लेकिन किस तरह से एक गोली ने पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया है। सिर्फ बिहार में नहीं, सिर्फ गया में नहीं, पूरे देश में यह सवाल है कि राजनीतिक रसूखदार लोगों के बच्चे इस तरह से क्यों रास्ते भटक रहे हैं, और क्या ये माँ बाप की भी बड़ी गलती है कि वो इन रास्तों पर जा रहे हैं। जिस तरह से रॉकी UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन पिस्टल का लाइसेंस भी उन्हें वहीं मिला, और माँ बाप देख रहे हैं, आज शायद देखना नहीं चाह रहे वो दिन जो देखना पड़ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से नहीं देखना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली खबर का। सरकार बदलते ही बदलाव की धारा तेजी से बहने लगती है। राजस्थान में सत्ताधारी राजनीतिक दल अपने मुताबिक सिलेबस में जोड़ तोड़ कर रही है, जिसको लेकर विपक्षी दल विरोध का बिगुल फूंक रहे हैं। किस तरह से आज संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में 8वीं की सोशल साइंस की किताब में आजादी के आंदोलन में नेहरू के रोल को बिल्कुल गायब कर दिया गया है। आज इसको लेकर कांग्रेसी नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे यहाँ तक कि अम्बेडकर, महापुरुष अम्बेडकर, सबके लिए कुछ ना कुछ टेक्स्ट बुक से हटाना, उनके जो लेख है उनको हटाना, टेक्स्ट बुक के तोड़ मरोड़ के पेश करना। लेकिन विरासत में सियासत की ये लड़ाई नई नहीं है, शुरुआत योजना आयोग से हुई जो अब नीति आयोग बन चुका है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना के नाम को बदलकर अब पंचायत सशक्तिकरण योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना को अब राष्ट्रीय फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटीज कर दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के नाम को ही बदलकर राष्ट्रीय फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल अभियान को सरकार ने खेलो इंडिया योजना का नाम दिया है। राजीव गांधी ऋण योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में भी राजीव के स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ा गया है। हालांकि राजस्थान सरकार अब सफाई दे रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेमुद्दा कांग्रेस जबरदस्ती इसको मुद्दा बना रही है। दरअसल नाम बदलने की एक कवायद सरकार के सत्ता में आने के साथ ही शुरू हो गई थी। अब 2 साल होने को है और ये लड़ाई तेज हो रही है। आने वाले 3 सालों तक हम इस लड़ाई को लगातार बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन क्या वाकई इस पूरी जंग का अच्छे दिनों से कोई नाता है? देश की बात के लिए ETV नेटवर्क। और राजस्थान से जो कहानी शुरू हुई, केंद्र तक आते आते भी खत्म नहीं हुई। आने वाले सालों में, जी हां, अगले 3 साल तक ये कहानी लगातार बढ़ती नजर आएगी। 2 साल होने वाले हैं सरकार के कार्यकाल को पूरे, और पिछले 2 सालों में लगभग हर सप्ताह ये बहस तेज हुई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, दिखाते हैं आपको दुनिया के सामने मिसाल पेश करने वाली एक जीवंत कहानी। पिज्जा के नीचे चल रही ये क्लास किसी NGO की मुहिम का हिस्सा नहीं है, बल्कि अंधेरे को जड़ से मिटाने की
एक अकेले शख्स की जिद है। ये शख्स है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला 45 साल का राम नारायण। बचपन में ही माँ बाप की मौत के बाद राम नारायण ने हालात से लड़ते हुए किसी तरह स्नातक की पढ़ाई तो की, लेकिन नौकरी नहीं मिली, लिहाजा फेरी लगाना शुरू किया और साथ ही शुरू हुई समाज के कमजोर तबके से आने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई की एक क्लास। क्योंकि राम नारायण अपने बचपन के दर्द को मिटाना चाहता था। राम नारायण का बेटा भी इन बच्चों के साथ मौजूद रहता है और कक्षा में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मैं आदरणीय राम नारायण जी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। चाहूंगी कि यदि वो कहीं एक जगह केंद्र बना करके शिक्षक संस्थान चलाना चाहें तो मैं प्रशासन से बात करूंगी। यदि एमपी लेवल में दे सकती हूँ सामुदायिक भवन बना करके तो उसके लिए। गरीबों की धूल भरी गलियों में जाकर हरफों से बच्चों की तकदीर चमकाने की कोशिश में ये फेरी वाला जी जान से जुटा है। ये पहल छोटी है लेकिन सरकारी शिक्षकों के लिए किसी नसीहत से कम नहीं है, जो मोटी तनख्वाह पाने के बावजूद अपना फर्ज नहीं निभाते। भारत की शान बढ़ाने वाले राम नारायण को हमारा सलाम। और प्राइम टाइम में इस तरह की छोटी छोटी खबरों को दिखाकर ही हम हमारी पत्रकारिता की जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं और इसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कल हमने एक साल पूरा किया है। ईटीवी नेटवर्क ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। रोजाना हम तरक्की की नई इबारत लिखते जा रहे हैं। ईटीवी ओडिशा ने अपनी सफलता का जब एक साल पूरा किया तो इस मौके पर सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ पहुंचे भुवनेश्वर में खुद मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा ने इस पूरे मौके पर, इस पूरे आयोजन पर, इस जश्न के अवसर पर पूरी टीम को बधाई दी और साथ ही देश को आश्वस्त किया, भरोसा जताया कि वो किस तरह से ईटीवी के माध्यम से, इस टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से लोगों की बात को लोगों के साथ रखते हैं और सरकारों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का उन्हें एहसास कराते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सुनिए ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा ने क्या कहा। आज देश में 23 राज्यों में ईटीवी के चैनल्स हैं, 20-22 करोड़ लोग ईटीवी को देखते हैं, उड़ीसा के करोड़ों लोगों की आवाज है ईटीवी उड़िया। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, घटनाओं के साथ हैं, खबरों के साथ हैं, आम आदमी के साथ हैं और इसीलिए ईटीवी को ये कहा जाता है, इट इज द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे बीबीसी स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए। आप बने रहिए ईटीवी नेटवर्क पर। नमस्कार, स्वागत है आपका, यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। 2 सालों में 8,000 लोगों ने यूरोप दाखिल होने की कोशिश में गंवाई जान। इटली, ग्रीस और तुर्की में 1,700 अज्ञात लोग दफन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को अमेरिकी अफगान सेना ने अफगानिस्तान में कराया रिहा, 3 साल पहले हुआ था अपहरण। जंगलों की आग में फंसे कनाडा के शहर में आखिर बुझी आग, 90% से ज्यादा इमारतें सुरक्षित।
दुनिया के करीब 20% पौधे हो सकते हैं लुप्त। जलवायु परिवर्तन, घटते जंगल और बीमारियों के अलावा आक्रामक पौधों से है खतरा। और आखिर में जांजिबार के एक टापू का हाल, जहां ना सड़कें हैं ना गाड़ियां। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। तुर्की, ग्रीस और इटली के 70 जगहों पर 1700 अज्ञात लोग दफन हैं। ये वो लोग हैं जिनकी यूरोप में दाखिल होने की कोशिश के दौरान समुद्र में डूबने से मौत हो गई। बीते 2 सालों में 8000 लोग यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश में मारे गए हैं। इन्हीं में से कुछ की लाशें ग्रीस, इटली और तुर्की के तट पर तैरती हुई पहुंची। बीबीसी की खास रिपोर्ट। अप्रवासियों से लदी नावें पिछले साल से ही ग्रीस के लेस्बोस जैसे टापुओं पर पहुंचना शुरू हो गई थी। इस खतरनाक सफर में सभी खुशकिस्मत नहीं होते। इस यात्रा के दौरान भी 2 लोगों की जान गई, लेकिन दोनों मृतक तकदीर वाले थे क्योंकि उन्हें कम से कम कोई पहचानता तो है। बीते 2 सालों में यूरोप पहुंचने की कोशिश में 8000 लोग मारे गए हैं। औसतन हर दिन एक व्यक्ति किसी न किसी अनजान कब्र में दफन किया गया है। ये कब्रें तुर्की, ग्रीस और इटली में हैं। बीबीसी को ऐसी 70 कब्रगाहों का पता चला है। यहाँ लेस्बोस में कई अनजान लोगों को दफनाया गया है। अधिकतर के शवों को लहरें तट तक लाई हैं। अफगानिस्तान से आए फारूक के भाई और भाभी की लाश तो मिली, लेकिन उनके 4 बच्चे अब तक लापता हैं। मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि वो जिंदा हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मर गए तो अल्लाह करे वो कहीं दफन हो। हमने 6 रिश्तेदार खोए हैं, हमारी तो जिंदगी ही तबाह हो गई है। आप्रवासियों के सैलाब ने यहाँ अधिकारियों का काम बढ़ा दिया है। इन कंटेनरों में शव हैं, लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की कमी है। कई बार मुझे गुमशुदा लोगों के रिश्तेदारों का फोन आता है। कुछ लोग हॉस्पिटल आकर तस्वीरें चेक करते हैं, कुछ DNA सैंपल भी भेजते हैं। इटली, ग्रीस और तुर्की में मृतकों की शिनाख्त अधिकारियों का रोजमर्रा का काम बन चुका है। उधर गुमशुदा लोगों के रिश्तेदारों को भी किसी आखिरी जवाब का इंतजार है। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। जर्मनी में म्यूनिख के पास एक स्टेशन पर आज सुबह एक शख्स ने चाकू से वार कर एक व्यक्ति को मार डाला। 3 अन्य लोग भी घायल हो गए। पुलिस हमलावर के तार चरमपंथ से जुड़े होने की जांच कर रही है, लेकिन कुछ चश्मदीदों ने कहा है कि उसने अल्लाह अकबर कहते हुए हमला किया था। लंदन के नए मेयर सादिक खान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि सादिक खान को अमेरिका में मुसलमानों के आने पर प्रतिबंध से छूट मिलेगी। खान ने कहा, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये मेरे दोस्तों के बारे में है, मेरे परिवार के बारे में है और उन सब के बारे में जो मेरी जैसी ही पृष्ठभूमि से आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस महीने हिरोशिमा जाएंगे। पद पर रहते हुए हिरोशिमा जाने वाले ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले जिमी कार्टर ने हिरोशिमा का दौरा किया तो था, लेकिन वो राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वहां गए थे। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें लगभग 14 लाख लोग मारे गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के अगवा बेटे अली हैदर गिलानी को अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन के बाद रिहा करवा लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि इसकी पुष्टि अफगान राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी की है। इसी बारे में बीबीसी उर्दू सेवा से बात की मेरी सहयोगी शिवानी कोहक ने। अली हैदर गिलानी की रिहाई के बारे में बात करते हैं बीबीसी उर्दू संवाददाता सकलेन इमाम से। ये बताएं कि उनकी रिहाई की चर्चा पहले से चल रही थी या ये खबर बिल्कुल अचानक आई है? शिवानी, बिल्कुल अचानक खबर आई है, इससे पहले किसी को पता नहीं था। और ये खबर जो है अली हैदर गिलानी के जो बाप हैं यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनको अफगानिस्तान के सफ़ीर ने फ़ोन करके बताई कि आपका बेटा गजनी से बरामद कर लिया गया है एक ऑपरेशन के ज़रिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को रिहा करने में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, इस किस्म के जितने भी वाक़ात हैं उनमें पता नहीं चलता किसने अगवा किया है, कहाँ ले गए हैं, किससे रब्ता किया, जो उनकी तरफ से रब्ता होता नहीं होता। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के बेटे को अगवा किया गया था, वो भी 4.5 साल बाद बरामद हुए हैं अभी कुछ अर्सा पहले ही। फिर एक अमेरिकन NGO के आदमी थे, उनको अगवा किया गया था, वो वहीं अफगानिस्तान ही में तालिबान के पास ही उनका डेथ हो गई। और अब इनको जो अगवा किया गया था तो अमेरिकन फ़ौजों ने और अफगान फ़ौजों ने एक रेड करके गजनी से बरामद किया है। कनाडा के अल्बर्टा राज्य में पिछले दिनों जंगलों में लगी आग ने फोर्ट मैकमरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। यहाँ के 88,000 निवासियों को भागना पड़ा। वहां के गवर्नर ने कहा है कि एक चमत्कार से कम नहीं कि भयानक आग के बाद भी किसी की जान नहीं गई। कल थोड़ी बूंदाबांदी और हवा के रुख से आग पर काबू पाने में मदद मिली।
इस जगह हाल हाल तक एक भरा पूरा मोहल्ला बसा था। लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन फिर जंगलों से आग यहाँ तक पहुँची जिसने सब जला डाला। लपटें इतनी तेज थीं कि रेलिंग और खंभे तक पिघल गए। अधिकारियों ने यहाँ के निवासियों से कहा है कि अभी यहाँ लौटना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि फोर्ट मैकमरे शहर का 90% हिस्सा बच गया है। कोई 2400 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, मगर हमने लगभग 25,000 इमारतों को बचा भी लिया है, जिनमें अस्पताल, म्यूनिसिपल बिल्डिंग और सारे स्कूल शामिल हैं। लेकिन वापस लौटने का इंतजार करते शहर के लोगों के लिए इन खौफनाक तस्वीरों को भुलाना आसान नहीं होगा। अल्बर्टा सरकार ने कहा है कि वो शहर के पुनर्निर्माण के लिए 2 हफ्ते के भीतर एक योजना तैयार करेगी। और अब एक नजर बीबीसी शॉट्स पर। ये रंगीन नजारा है उत्तर कोरिया की सड़कों का, जहां हजारों की तादाद में लाल फूल और झंडे लिए लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। दरअसल दशकों बाद सत्तारूढ़ी वर्कर्स पार्टी का सम्मेलन खत्म हुआ और इसके जश्न में ये प्रदर्शन रखा गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में आए इस भयंकर टोर्नेडो में 2 लोग मारे गए हैं। इस जबरदस्त तूफान ने घरों के परखच्चे उड़ा दिए और पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया। शहर में अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जॉर्ज बोगी ने अफगानिस्तान में एक विस्फोटक डिवाइस पर पांव रख अपनी टांगे और हाथ दोनों ही खो दिए थे, लेकिन अब वो इन्विक्टस खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। इन खेलों का आयोजन युद्ध में जख्मी और अपाहिज हुए फौजियों के लिए किया गया है। दुनिया भर में करीब 20% पौधे विलुप्त हो सकते हैं क्योंकि उनको कई तरह के खतरे हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार पूरी दुनिया के पौधों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। ये शोध ब्रिटेन के रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू ने की थी। ब्रिटेन के रॉयल बोटानिकल गार्डन ने दुनिया के 80 वैज्ञानिकों की मदद से करीब 4 लाख पेड़ पौधों की गणना की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन, बीमारियों और दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक प्रजाति के पौधों के खतरे से धरती के 21% पेड़ों की नस्लें खत्म हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में आक्रामक पौधों की 5,000 प्रजातियों का पता लगाया है। अब हमें पता चल गया है कि एक आक्रामक पौधा कैसा होता है। इस जानकारी से उससे निपटने के नए तरीके ढूंढे जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी का 10% हिस्सा ऐसी नाजुक वनस्पतियों से घिरा है जिन पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ेगा। ये वैश्विक आकलन अब हर साल किया जाएगा। इसके जरिए समय के साथ बदल रहे पौधों पर निगरानी रखी जाएगी। सोचिए, आज के जमाने में जहां हम इलेक्ट्रिक कारों की बातें करते हैं, दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां कुछ लोगों ने कभी गाड़ी देखी भी नहीं है। जांजिबार टापू में स्थित टुम्बाटू की आबादी 20,000 है और यहाँ समुद्र के अलावा सिर्फ कच्ची सड़कें हैं। टुम्बाटू में ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही उन पर दौड़ती मोटर गाड़ियां। दुकानदार दुकानों पर माल ले जाने के लिए कूली करते हैं तो बुजुर्ग या बीमार को अस्पताल स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। यहाँ के कुछ निवासी कभी यहाँ से बाहर भी नहीं गए हैं। अगर यहाँ सड़कें बना दी जाएं तो गाड़ियाँ भी यहाँ आ जाएंगी। हम चाहते हैं कि टुम्बाटू में भी गाड़ियाँ हों। यहाँ की इकलौती सड़क टुम्बाटू के 3 हिस्सों को जोड़ती है। 20 साल से इस सड़क पर एक भी वाहन नहीं चला है। और भी कई अहम काम हैं जो किए जाने हैं। ऐसे में ये सवाल बेकार है कि यहाँ कारें क्यों नहीं। एक वक्त था जब टुम्बाटू में पानी तक नहीं था। ऐसे में हम कारों पर क्यों ध्यान दें। अधिकारियों का कहना है कि टुम्बाटू में विकास लाने की योजना है, लेकिन निवासियों को धीरज रखने की जरूरत है। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त 9:20 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बीबीसी दुनिया की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और दुनिया की खबरों के बाद सीधा रुख करते हैं देश की खबरों का। चलते हैं उत्तराखंड। देश के इतिहास में शायद जितनी मेरी जानकारी है पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस तरह से बहुमत परीक्षण की बात हुई। जी हां, हरीश रावत सरकार की संकट की घड़ी ऐसा लग रहा है अभी टल गई, लेकिन नतीजा कल सामने आएगा। बहरहाल, लोकतंत्र अगर गणित है तो इस इम्तिहान में आज हरीश रावत ने पेपर अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है, ऐसा खबरों के मुताबिक माना जा सकता है। रिजल्ट कल आएगा, लेकिन लग रहा है कि वो फर्स्ट डिविजन पास हो जाएंगे। अंदाज लग रहा है कि 61 में से उन्हें 33 नंबर मिल गए हैं। आज जब कांग्रेस विधानसभा से शक्ति परीक्षण के बाद बाहर निकले,
कांग्रेसी तो उनके चेहरे कमल की तरह खिले हुए थे, जबकि भाजपाई खेमों में राजनीति के कीचड़ में कमल धंसता नजर आया। आजकल नैतिकता की इतनी ऊंची बातें नेता तभी करते हैं जब वो समझ जाते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। हर दांव आजमा कर भी जब हार जाएं तो पाप धोने के लिए मानो नैतिकता का ही तीर्थ बचता है। अब इसे कहां की नैतिकता कहा जाए कि आज एन वोटिंग के कुछ घंटे पहले रेखा आर्य को अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे गई और वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में स्विच ओवर कर गई। भीमलाल वैसे तो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस के अर्जुन बने हुए हैं। उन्हें हरीश रावत ने लाल बत्ती दे रखी है, इसलिए वो कांग्रेस की मर्जी से जलते हैं और उसी की मर्जी से बुझ जाते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आज सदन में वो कांग्रेस की तरफ रोशनी दे रहे थे। ये कांग्रेस की नैतिकता है। बहरहाल नैतिकता और अंतरात्मा की सोशियोलॉजी को छोड़कर हम आज प्योर मैथमेटिक्स की बात करेंगे। गुणा भाग जोड़ घटाने में लग रहा है कि हरीश रावत भाजपा पर 21 पड़ गए हैं। पहाड़ की सियासत का जो पहाड़ा हरीश रावत के खून में है, बीजेपी उसमें गच्चा खा गई। सियासत के पंडित बताते हैं कि इस मामले में बीजेपी ने सिर्फ एक ही पहाड़ा पड़ा है, गलती करो उसे दोहराओ और दोगुना कर दो, फिर और बड़ी गलती करो और उसे दोहराओ। पहले दिन से यानी 18 मार्च से बीजेपी सिर्फ यही करती नजर आ रही है। आज तो कम से कम विपक्ष को यही कहने को मिल रहा है। हम आज कांग्रेस की ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो तो जश्न में है। कहीं पटाखे चल रहे हैं, कहीं हवन हो रहा है। बात बीजेपी की बनती है जिसके लिए ये गणित में घाटे का खेल साबित हुआ है। और चर्चा करते हैं, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से, और इंदिरा हृदेश जो कि पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस की वहां पर। और कहा यह भी जाता है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना पड़ेगा हरीश रावत की जगह पर, तो इंदिरा हृदेश को कर सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्री रहे हैं, और कहा यह भी जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इंदिरा हृदेश, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, बाजी आपके हाथ में है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जितना कॉन्फिडेंस नजर आया है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, लेकिन एक विधायक आज भी चला गया खेमे से, 10 संख्या हो गई है, चूक किसकी है, ये हरीश रावत की या कांग्रेस की? देखिए, इतना भ्रम फैला दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इतने प्रलोभन दे गए कि रेखा आर्य तो एक नई बाई इलेक्शन की जीती हुई विधायक थी, उसको तो ये भी नहीं पता कि विप उल्लंघन में उसकी सदस्यता जा सकती, उसको ये भी जानकारी नहीं है, अभी बाई इलेक्शन में मात्र जीत कर आई थी। वो लोग जो गए वो तो मेच्योर गए, वो तो सोच समझ कर गए, पर ये अज्ञानता बस गई है वहाँ। और इस कदर वातावरण दो ढाई महीने से इतना दबाव था, हम सरकार बना रहे, हम सरकार बना रहे, हमारे साथ बीएसपी भी है, हमारे साथ ये विधायक है, वो विधायक है। आज जब सदन में पक्ष और विपक्ष बैठा तो जो आंकड़ा हम बताते थे, हमारे पास 34 विधायक है स्पीकर को मिलाकर, वही आंकड़ा निकला। मान लेते हैं आपकी बात इंदिरा जी कि बीजेपी ने इतना प्रलोभन दिया, भीमलाल आर्य को किसने प्रलोभन दिया, ये बताइए जरा। देखिए, भीमलाल आर्य बहुत लंबे समय से उनसे नाराज चल रहे थे, उनका व्यक्तिगत कारण है। मैं इसको कोई दल बदल को हम अप्रिशिएट नहीं करते, वो दल बदल होना भी नहीं चाहिए। मतलब आप करें तो व्यक्तिगत कारण, दूसरा करें तो प्रलोभन। बहुत खूब। त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये किसकी हार है? ये आपकी स्टेट इकाई की हार है, केंद्र की हार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है? पूरी ताकत झोंक दी थी आप लोगों ने। देखिए मीना जी, हम तो पहले ही विपक्ष में थे और पहले ही हम अल्पमत में थे। कांग्रेस के लोगों ने हरीश रावत जी से कहे या अपनी कांग्रेस पार्टी से कहे, उनका जो असंतोष था, या ये कहें कि हरीश रावत जी आप वरिष्ठ नेता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोगों की ट्रेनिंग का ये हिस्सा है क्या कि आपसे सवाल बीजेपी पे पूछें तो आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से कांग्रेस से बात पूछ रहे हैं तो बीजेपी की बात करें? मैंने आपसे पूछा ये चूक किसकी है, ये हार किसकी है, ये उत्तराखंड बीजेपी की है या केंद्र की है? एक के बाद एक बड़े नेता जिस तरह से लगातार यहाँ पर डेरा जमाए हुए थे, और एक के बाद अगर एक स्टेटमेंट मैं आपके निकाल दूं 18 मार्च से आज तक के, तो मेरा बुलेटिन छोटा पड़ जाएगा। नहीं, आपकी बात ठीक है कि हमारे नेतृत्व यहाँ पर था, और ये कोई नई बात नहीं कि नेतृत्व पहली बार हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, मैं भी झारखंड राज्य का प्रभारी हूँ
और मैं भी वहाँ पर जाता हूँ जब भी कोई राजनीतिक ऐसी घटनाक्रम होता है। तो इस घटनाक्रम एक ऐसा घटनाक्रम जो पहले जिसकी कोई संभावना ही नहीं थी, एक अचानक एक घटना घटित हुई और उसके बाद कांग्रेस के लोग छोड़कर आए। और इसलिए जैसी राजनीतिक हालात थी उसमें निश्चित रूप से सीनियर लीडरशिप पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर आना स्वाभाविक था। इसको मैं कोई अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ, ये पहले लेकिन भी होता आपको रहा नहीं लगता त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा सब्र रखती, थोड़ा सा पार्टी पेशेंस रखती, जनता पर भरोसा रखती तो हरीश रावत तो वैसे ही मार खाए हुए थे कांग्रेस से और कहीं ना कहीं साख के मुद्दे पर भी, तो आपके पास एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी होता, आप फायदे में रहते। देखिए हरीश रावत तो आज भी नुकसान में है। उत्तराखंड की जनता ने सब कुछ देख लिया है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या क्या हो रहा है। हरीश रावत स्वयं स्टिंग में फंस चुके हैं, उनके एक विधायक स्वयं स्टिंग में फंस चुके हैं, उनके विधायक स्वयं कह रहे हैं कि हमको 25 लाख रुपए दिया गया, 1 करोड़ रुपए दिया गया, थैलों में रुपया दिया गया, ये साफ स्टिंग में सब चीज़ें साफ हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि हरीश रावत ने अपने विधायकों का जो विश्वास था वो उन्होंने खो दिया। ये बड़ी हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनके विधायक बोल रहे हैं जो उनके पार्टी में, उनके आज भी उनके साथ में, उन्होंने ये स्वीकार किया है और ये बातें बोली हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही विपक्ष में थी, भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर होने वाला नहीं। लेकिन सत्ता में आने के दावे तो बहुत किए जा रहे थे आपकी तरफ से, लगातार हो रहे थे। कल इसी वक्त हमारे साथ बैठ के आपके नेताओं ने बात की, पिछले सप्ताह लगातार की, लेकिन उन दावों की पोल खुल गई आज। इंदिरा हृदेश एक बार ये जीत जरूर है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो कुछ हो रहा है उसका आने वाले एक साल और उसके बाद आने वाले चुनाव में कितना बड़ा नुकसान आप देखती हैं? आवाज कुछ नहीं सुनाई दे रही। अब आई देखिए पूरे प्रदेश की भी, देश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता। हमारे मान लिया 9 विधायक कांग्रेस के बाहर निकल कर गए, पर इनके चार्टर्ड प्लेन में गए उसकी क्या जरूरत थी, इनके चार्टर्ड बस में गए इसकी क्या जरूरत थी, इनके साथ लीला होटल में रहे इसकी भी कोई जरूरत तो आपके थे, इसलिए आप जवाब दीजिए ना उनसे, आप पूछिए ना उनसे कहां आपकी चूक हुई। हरीश रावत की गलती है, आलाकमान की गलती है, आप लोगों की गलती है, किसकी चूक हुई, बीजेपी पर छींटे डालने से क्या होगा इंदिरा जी? उनको आश्रय न दी, अब वो अति महत्वाकांक्षा है इस तरह की घटनाक्रम को पहले राजनीति में अति महत्वाकांक्षा हिस्सा है राजनीति का। चीफ मिनिस्टर रहे, एक मिनिस्टर थे, इस तो इससे बड़ा पद नहीं मिल सकता था ना, इससे बड़े पद नहीं मिल सकते थे। तो ये वो स्वयं जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उनकी उन्हें स्वीकार नहीं किया है तो उन्हें स्वयं पता चल जाएगा दल बदल करना और उसके बाद सत्ता। माफ कीजिए इंदिरा हृदेश जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप दोनों से और देश के तमाम नेताओं से मैं लगातार इस बात को कहती रही हूं कि भाई आपसे आपकी पार्टी की बात की जाए तो जवाब अपनी पार्टी का दीजिए, दूसरे पर आरोप लगाने से आपके दाग नहीं धुल जाएंगे और ये सवाल कम से कम उत्तराखंड की सियासत में आप दोनों पर पूरी तरह से लागू होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पर कार्यक्रम को आप लोगों से जो बातचीत है उसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि आज यूपीएससी की परीक्षा में फर्स्ट और सेकेंड आने वाले दोनों कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। टीना डाबी देश में एक बार फिर से, पिछली बार भी यूपीएससी में लड़कियों ने बाजी मारी थी, इस बार फिर से हमारे साथ होंगी टीना डाबी और दूसरे नंबर पर रहने वाले अतीक अतहर भी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ ईटीवी नेटवर्क पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क जहां पर यूपीएससी की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम और सेकेंड कैंडिडेट हमारे साथ होंगे। डाबी और अतहर आमिर, ये दो वो नाम हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आए हैं। जी हां, देश की एक बेटी ने, दिल्ली की ये बेटी है और हमारे साथ जुड़ी हुई है ईटीवी नेटवर्क की तरफ से, देश के सभी दर्शकों की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से टीना और अतहर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सीधे टीना मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरी सफलता का श्रेय किसको देती है? 22 साल की उम्र में पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पास की परीक्षा। जी जी
पूरा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है. उन्होंने मुझे क्लास 11 से ही गाइड किया और ग्रूम किया इस एग्जाम के लिए. तो मैं तो पूरा श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूंगी. आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, कितनी पढ़ाई की? देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं यूपीएससी के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 22 साल की उम्र में आपने पहली बार में ये परीक्षा पास की है. बताइए देश के तमाम युवाओं को. जी, मेहनत की बात आए तो ये एग्जाम इतनी कठिन है कि मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है. काफी पढ़ना पड़ता है, जितनी भी सोशल लाइफ है उसे कट अप करना पड़ता है, काफी सैक्रिफाइसेस लगते हैं. बट अब जैसे मैं अपना खुद का रिजल्ट देख रही हूँ तो आई थिंक वो सारे सैक्रिफाइसेस वर्थ है. जी, सारे सैक्रिफाइसेस के वर्थ है. ये देश के युवा पीढ़ी जान ले, समझ ले, व्हाट्सएप, मोबाइल, बाइक्स, पार्टीज, इन सब से कितना दूर रहना पड़ता है. मैं आपसे समझूंगी टीना, लेकिन उससे पहले अतर आमिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. देश भर के दर्शकों की तरफ से आपको भी बधाई, भारतवर्ष की तरफ से. अतर, आपने कितनी मेहनत की, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका, सेकंड पोजीशन पूरे देश में, किस कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है आपके लिए, श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और जहाँ तक इस पूरे सफलता का श्रेय है, ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को सबसे पहले जाता है. मेरी फैमिली में स्पेशली मेरे ग्रैंडफादर, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. इसके साथ साथ मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे दादी, मेरे जो सिबलिंग्स हैं उनका भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा. और सबसे ज़्यादा श्रेय उनको मैं देना चाहूँगा. जी, आपके परिवार में कोई है पहले से? आपके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, कैसे उन्होंने सोचा कि आप यूपीएससी में जाएं? आपके पास दूसरे विकल्प भी थे? नहीं, इससे पहले मेरे फैमिली में, इवन एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है. मेरे ग्रैंडफादर वो फार्मर हैं, एप्पल फार्मिंग वो मोस्टली उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. बट मोस्टली यू नो, उनको देखकर, उनकी हार्डवर्क को देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला. और ही वॉज लाइक बिग यू नो सपोर्ट सिस्टम फॉर मी, एंड आई बिग क्रेडिट गोज टू हिम. टीना, आपके फैमिली में कौन था पहले से प्रशासनिक सेवा में? आपने, मम्मी ने आपकी तैयारी करवाई, आपने मेहनत की, लेकिन इसके अलावा कभी प्रशासनिक सेवा के अलावा दूसरा कोई विकल्प था आपके जहन में, या एकदम लक्ष्य साफ था और इसीलिए पहले ही तीर में आपने निशाना लगाया? नहीं मैम, फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, सारे इंजीनियर्स हैं इनफैक्ट. जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देश भर के दर्शकों की तरफ से एक बार फिर से. और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के परिवार में कोई भी प्रशासनिक सेवा में नहीं है. देश के युवाओं को, युवा पीढ़ी को आप कुछ कहना चाहते हैं अतर आमिर? मैं सबसे यही कहूंगा कि एज यूथ हम इस नेशन के लिए, इस कंट्री के लिए एसेट्स हैं, और हमें ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस भी फील्ड में हों, जहाँ भी हों, जिस भी कैपेसिटी में हों, वहाँ पे अपना 100% दें, और जितना कंस्ट्रक्टिवली, जितना पॉजिटिवली देश और इस देश के लोगों के लिए हम काम कर सकें उतना करें. टीना, जब आपसे शुरू में बात हो रही थी तो हमने सुना था कि आपने बिल्कुल नहीं सोचा था कि नंबर वन पोजिशन आपको मिलेगी, ये सच है? मैम बिल्कुल मैम, ये एग्जाम इतनी टफ है और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो अगर मैं ये सोच के चलती कि मैं रैंक वन लाऊंगी तो ये तो मेरे लिए ही बहुत इम्पॉसिबल था इवन सोचना. हाँ, मैंने इतना जरूर सोचा था कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, मेरी एग्जाम अच्छे से ये गुजरी थी. जी, बट मैम ये रैंक वन तो गॉड्स ग्रेस है और ये मैंने नहीं सोचा था. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को. और आप दोनों बने रहिए स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी और हमारे देश भर के दर्शकों को भी. देश की बात के इस बुलेटिन को जब भी हम खत्म करते हैं तो बुलेटिन खत्म करने से पहले हम बेटियों को सम्मान देना नहीं भूलते, लेकिन टीना का सम्मान किस तरह से ईटीवी नेटवर्क ने किया है आप देखिए. हमारी तरफ से सैल्यूट टीना को, देश की तरफ से सलाम टीना को, और टीना की तरफ से सलाम पूरे देश को. देखिए इस तस्वीर में. और बस ईटीवी नेटवर्क में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां जारी रहेगा. मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार.